हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ प्रियंका गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ री इंजीनियरिंग, जो कि टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक कोर सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर IT स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर मैं AKTU की बात करती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 5 का एक टॉपिक है री इंजीनियरिंग। इससे पहले मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं री इंजीनियरिंग क्या होता है, क्यों इसकी ज़रूरत है, क्यों हम री इंजीनियरिंग परफॉर्म करते हैं, और साथ ही साथ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि री इंजीनियरिंग होता क्या है। तो री इंजीनियरिंग एक्चुअली इट इज़ अ री ऑर्गेनाइजिंग और मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम टू मेक देम मोर मेंटेनेबल। किसी भी सॉफ्टवेयर को जब मुझे उसकी मेंटेनेंस को ईजी करना है, या फिर मैं उसको बोलूं कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, ज़्यादा टाइम तक काम कर पाए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम बार बार उसमें कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशंस करते रहते हैं, जिससे कि वो आने वाले एनवायरनमेंट में एडजस्ट होता रहे, नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ एडजस्ट होता रहे और वो काम करता रहे। तो इसी तरीके से उसमें जो हम मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं या फिर हम उसको जो रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बार बार जो हमें उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ रहा है सॉफ्टवेयर सिस्टम को, इनको हम क्या बोलते हैं, री इंजीनियरिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अब री इंजीनियरिंग प्रोसेस से होता क्या है, तो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग प्रोसेस जो होता है, इससे हम किसी भी सॉफ्टवेयर की जो मेंटेनेबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर पाते हैं। मेंटेनेबिलिटी मतलब जो मेंटेनेंस में हमारे एफर्ट्स हम लगाते हैं वो हम कम कर लेते हैं, मतलब उसकी जो मेंटेनेंस है वो ईजी हो जाती है, ईजी मेथड से उसकी मेंटेनेंस हो सकती है और वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाए। तो इस तरीके से हम उसको रीऑर्गेनाइज करके, मॉडिफाई करके उसकी मेंटेनेबिलिटी को हम बनाए रखते हैं, इम्प्रूव करते रहते हैं। या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि री इंजीनियरिंग में एक्चुअली हम क्या करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर के अलग अलग और अल्टरनेटिव इम्प्रूव्ड वर्जन हम देते रहते हैं, उसको भी री इंजीनियरिंग प्रोसेस हम कह सकते हैं, ठीक है। तो और प्रोसेस में हम करते क्या है, री इंजीनियरिंग जो है एक्चुअली में ये कॉम्बिनेशन है, हम ये भी बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन है। किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है ये, रिवर्स इंजीनियरिंग, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग और रीकंस्ट्रक्शन का, इन सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन मिलकर क्या कहला सकता है, री इंजीनियरिंग कहला सकता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है री इंजीनियरिंग की। तो ये सिस्टम को इन्हांस करने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब हमें ज़रूरी नहीं है कि हम रॉ से स्क्रैच से हम कोई नई चीज़ बनाएं, हम कम पैसों में कम पैसे खर्चा करके भी हम अपने सिस्टम को इवॉल्व कर सकते हैं, उसका एक नया वर्जन क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम उसको अच्छा और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस प्रोसेस में जितने भी एक्टिविटीज होते हैं उन सब के डिस्क्राइब करने के लिए, उन सबको अच्छे से फुलफिल करने के लिए भी हम री इंजीनियरिंग प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। And the distinguish between software and data re-engineering and to explain the problems of data re-engineering. इसके साथ ही साथ हम जो हमारा सॉफ्टवेयर है और जो हमारा डेटा हम यूज़ कर रहे हैं उनको हम re-engineering करके उनके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं डेटा में, तो वो भी हम यहाँ पर सही कर सकते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनकी वजह से हमें re-engineering प्रोसेस अप्लाई करना होता है। ये स्टेप्स हैं जिनसे हम री इंजीनियरिंग प्रोसेस को फुलफिल कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है, फर्स्ट वन इज इन्वेंट्री एनालिसिस। तो जितनी भी चीज़ें, जितना भी डेटा, जितने भी कंपोनेंट्स हमारे पास हैं, हर चीज़ को हम एनालिसिस करते हैं पहले, और उसके बाद जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, दोबारा से तैयार किया जाता है और रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस उस पर अप्लाई कर देते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस अपने आप में एक टर्म है, एक प्रोसेस है पूरा, जिसको मैंने इसका वीडियो मैंने अभी अपने चैनल पे अपलोड किया है इससे पहले, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग एक्चुअली में होता क्या है। उसके बाद जब हम रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस लगा रहे हैं तब हम अपने कोड को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अपने डेटा को रिकंस्ट्रक्ट मतलब दोबारा से तैयार कर सकते हैं अपने कोड को, अगर कोई मॉडिफिकेशन है, और अपने डेटा को भी हम उसमें मॉडिफिकेशंस में लेके जा सकते हैं। और जब हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे उसके बाद हम फॉरवर्ड इंजीनियरिंग अप्लाई करते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पर अभी आपके सामने यूज़ करी, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, एक बार डायग्राम से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, तब शायद ज़्यादा बेटर समझ पाओगे।
तो ये डायग्राम है जो कि आप यहाँ पर देख लो, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, कोड, ये नॉर्मल फेजेस हैं। जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो उसके ये बहुत नॉर्मल से फेजेस हैं। तो कोई भी आप देखोगे कि कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो वो इन सारी चीज़ों से गो थ्रू करता है, नॉर्मल चीज़ हो गई। लेकिन जब हम इनसे उल्टा चलते हैं, अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो दिस इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। लेकिन जब हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। तो रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस हम सबसे पहले लगाते हैं और उसके बाद मतलब हम सारी चीज़ों को उल्टा चलते हैं। हम कोड को मॉडिफाई कर रहे हैं, हम डिज़ाइन को मॉडिफाई कर रहे हैं, हम रिक्वायरमेंट्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। और जब हम ये सारी चीज़ों को मॉडिफाई कर लेते हैं उसके बाद हम वापस से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि रिवर्स इंजीनियरिंग, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, ये सारे जो है री इंजीनियरिंग प्रोसेस का ही एक पार्ट है। और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस जो हमने यहाँ पर किया है, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, री इंजीनियरिंग बोलते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं री इंजीनियरिंग के, रिड्यूस रिस्क। जैसे कि हमें पता है कि ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर हमारा चल रहा है, अगर वहाँ पे कहीं प्रॉब्लम आने वाली है, वहाँ पर कोई रिस्क है, तो हम अपनी चीज़ों को मॉडिफाई करके वहाँ से रिस्क को कम कर सकते हैं। तो ये फायदा है री इंजीनियरिंग का, रिड्यूस कॉस्ट। उसके बाद में अगर हम कोई नया सॉफ्टवेयर बनाए, सपोज हमारे सॉफ्टवेयर में इश्यूज हैं, तो हम अगर उन्हीं को सही कर लें तो वो ज़्यादा कम बजट में काम हो जाएगा एज कम्पेयर टू कि हम पूरा का पूरा नया सॉफ्टवेयर बनाकर तैयार करें। इसी के साथ साथ हमारे पास थर्ड आता है इसका एडवांटेज, रिवोल्यूशन ऑफ बिजनेस रूल्स। तो अगर हम अपने सिस्टम को री इंजीनियर करते हैं तो हो सकता है कि हम उसमें से और भी नए नए बिजनेस रूल्स को डिस्कवर कर पाए। जितनी बार हम सिस्टम में अंदर जाएंगे उतनी बार हम सिस्टम को समझेंगे और उतनी ही बार हम उसमें से कुछ ना कुछ और नया फाइंड कर सकते हैं। या फिर बेटर यूज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ। तो एग्जिस्टिंग स्टाफ में जो एक्सपर्टीज है वो मेंटेन रहता है, जो कोडिंग का है वो कोडिंग में मॉडिफिकेशंस करे, जो डिजाइनिंग का है वो डिजाइनिंग का करे, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है कि नए नए स्किल्स जो है जो वो डेवलप हो सकते हैं हमारे एम्प्लॉयज में। साथ ही साथ जब हम किसी चीज़ के एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं तो वहाँ डिसएडवांटेजेस भी होते ही होते हैं। तो फर्स्ट वन इज प्रैक्टिकल लिमिट्स टू द एक्सटेंट ऑफ री इंजीनियरिंग। तो री इंजीनियरिंग जो है एक प्रैक्टिकल लिमिट्स जो है वो एक्सटेंड हम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई भी मेजर चेंज होना है आर्किटेक्चर में या रीऑर्गेनाइज करना है तो हो सकता है कि वो चीज़ें हमें मैनुअली करनी पड़े, दिस इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज। उसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैंने कोई सपोज री इंजीनियर करके मैंने एक सिस्टम बना लिया, ठीक है, तो ये हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा उसकी मेंटेनेंस जो है वो इतना मेंटेनेबल ना हो जितना कि हमारा एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ हुआ जो होता है वो जितना मेंटेनेबल हो सकता है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। सो इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए